सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन बोर्डिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज भाग दो के पहले चैप्टर सूरदास के पद के चौथे पद का भावार्थ समझेंगे। हरि है राज नीत पढ़ियाए, यह पद उस समय का है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियां कृष्ण का इंतजार करती हैं, कृष्ण आते नहीं है और अपने सखा अपने मित्र उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे करके, योग ज्ञान का उपदेश दे करके गोपियों के पास भेजते हैं। तो गोपियों को कृष्ण के द्वारा ये योग ज्ञान का संदेश जो है अपने ऊपर होता हुआ अन्याय और अत्याचार लगता है, और गोपी एक गोपी दूसरे गोपी से अपने किसी सखी से कहते हुए कह रही है, हरि है राज नीति पढ़ियाए। अब हमारे कृष्ण जो है वो राजनीति भी जानने लगे हैं, राजनीति संबंधी बातें भी बना लेते हैं। जैसे राजनीति में जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके वादे किए जाते हैं और अपना काम हो जाने के बाद उनकी वादों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसे हमारे कृष्ण जो है हम लोगों के साथ जब रहते थे तो अनेक प्रकार की बातें करते थे, हम लोगों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, और मथुरा में जाने के बाद वो हम लोगों की सारी बातों को भुला करके योग ज्ञान का संदेश लेकर के आपको भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं। समुद्री बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। कोई को भी अपने सखी से कह रही है कि मधुकर, मधुकर यहाँ उद्धव को संबोधित किया गया है, क्योंकि उद्धव का संबोधन मधुकर से इसलिए किया जाता है कि मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर या भौरा, भौरा का जो रंग है वो काला होता है और उद्धव का रंग भी काला ही है, इसलिए उद्धव को भ्रमर करके मधुकर करके संबोधित करते हुए एक गोपी दूसरे सखी से कहती है कि इन उद्धव की बातों के को सुन करके हे सखी तुम कुछ जान पाई हो कृष्ण हम लोगों के बारे में क्या कहे हैं, अपने लिए क्या कहे हैं, उनका कुछ समाचार जान पाई हो, कृष्ण के बारे में कुछ पता चल
क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज भाग दो के पहले चैप्टर सूरदास के पद के चौथे पद का भावार्थ समझेंगे। हरि है लाज नीत पढ़ियाए, यह पद उस समय का है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियां कृष्ण का इंतजार करती हैं, कृष्ण आते नहीं हैं और अपने सखा अपने मित्र उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे करके योग ज्ञान का उपदेश दे करके गोपियों के पास भेजते हैं। तो गोपियों को कृष्ण के द्वारा ये योग ज्ञान का संदेश जो है अपने ऊपर होता हुआ अन्याय और अत्याचार लगता है और गोपी एक गोपी दूसरे गोपी से अपने किसी सखी से कहते हुए कह रही है हरि है राज नीति पढ़ी आए। अब हमारे कृष्ण जो है वो राजनीति भी जानने लगे हैं, राजनीति संबंधी बातें भी बना लेते हैं। जैसे राजनीति में जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके वादे किए जाते हैं और अपना काम हो जाने के बाद उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे हमारे कृष्ण जो है हम लोगों के साथ जब रहते थे तो अनेक प्रकार की बातें करते थे, हम लोगों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और